हाय एवरीवन, दिस इज़ पिया चौहान। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। लहंगा रीस्टाइलिंग का ये सेकंड पार्ट है। इसका जो पार्ट वन है उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको आपकी वेडिंग लहंगा या हैवी लहंगे को रीस्टाइल करने के लिए। यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टाइल में बता रही हूँ आपको कि सेम लहंगा लिया है, सेम दुपट्टा लिया है, लेकिन कंट्रास्ट में ब्लाउज लिया है। ब्रोकेट का ब्लाउज है, थोड़ा सा सिंपल है, और मैंने यहाँ पे बैंगल्स और जो और नेकलेस जो है वो सिल्वर का लिया है, और ऐसे मेरा फर्स्ट लुक कंप्लीट किया है। अब सेकंड लुक के लिए बता रही हूँ मैं कि पेपलम स्टाइल जो कुर्ती है मेरी, उसको मैंने यहाँ पे लहंगे के संग स्टाइल किया है। लहंगा, उसके ऊपर दुपट्टा डाला, दुपट्टे को पूरा फैला के डाला प्रॉपर। आजकल काफ़ी ट्रेंड में क्योंकि पेपलम स्टाइल कुर्ती लहंगे के साथ, तो मैंने उसे ये भी ट्राई करती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगेन सिल्वर बैंगल्स और सिल्वर नेकलेस तो मैंने पहन रखा था, इसलिए सिल्वर ईयरिंग के संग लुक को कंप्लीट किया है। दुपट्टा पूरा फैला के देख लीजिए, बहुत बहुत सुपर लुक है। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा पेपलम स्टाइल कुर्ती के साथ, बहुत अच्छा लगेगा आपका लहंगा। लहंगे के साथ वाइट शर्ट तो आपने कई बार देखी होगी स्टाइल करते हुए, लाइक मैंने भी लास्ट वीडियो में आपको करके दिखाई थी, बट लहंगे के संग वाइट कुर्ती, माय गॉड, इतना प्यारा, इतना सेटल लुक दे रही जो वाइट कुर्ती है। इसने लहंगे की हैवीनेस को इतना टोन डाउन कर दिया, बहुत सुपर लुक है, पर जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट लुक के लिए मैंने ब्लाउज जो है कंट्रास्ट में लिया है। लाइक मेरे लहंगे पे ग्रीन कलर का थोड़ा सा वर्क था, तो मैंने ब्लाउज भी ग्रीन कलर के लिया है। इसके बाद इस जो दुपट्टा था लहंगे का, इसको मैंने जैकेट स्टाइल में पिनअप कर लिया है। जैकेट स्टाइल में कैसे पिनअप करा वो भी मैंने आपको दिखाया है। इनकेस अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो आपकी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा इसमें अगर आप चाहें तो एक बेल्ट ऐड कर सकते हैं। जिस दिन मैं ये वीडियो बनाई थी मैंने बहुत ढूंढा, बट मुझे बेल्ट नहीं मिली, लेकिन नहीं तो मैं करके दिखाती आपको, बट बहुत अच्छा लगेगा बेल्ट के संग। अगर बेल्ट के साथ जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा, और बस आपका वही लहंगा वापस से रीयूज हो जाएगा। यहां मैंने अपने जो लहंगा है अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए लूज बन बनाया है और टीका लगाया है। बहुत ही सिंपल सा लुक है, डिसेंट सा लुक है, अच्छा लग रहा है काफी। जो नेक्स्ट लुक है इसका जो ख्याल है वो मुझे कुछ राजपूती पोशाक को देख के आया। मुझे लगा राजपूती पोशाक जो है उसका लहंगा भी काफ़ी हैवी होता है, तो क्यों ना उस पर हम थोड़ा सा डिफरेंट दुपट्टा ट्राई करें, तो फिर शायद राजपूती पोशाक जिनके पास नहीं है शायद उनकी हेल्प हो सके। तो मैंने अपने लहंगे के संग कुछ कंट्रास्ट से मिलती हुई साड़ी, ऑल्दो ये साड़ी इसके साथ बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रही है, और ब्लाउज थोड़ा सा ये लंबा, मतलब कि इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, तो मैंने ये वाला ब्लाउज लिया है, थोड़ा सा काचली स्टाइल में, कुर्ती स्टाइल में है। तो मैंने ये साथ में ट्राई करके देखा और यस, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था साथ में। मतलब अगर आपके पास राजपूती पोशाक नहीं है तो एक बार आप ये ट्राई करना अपने लहंगे के संग। इस अभी जो हाल फिलहाल में पूजा वाला त्यौहार आ रहा है, जैसे वट सावित्री आ रहा है, एक बार इस पर ट्राई करके देखना, बहुत बहुत अच्छा लुक लगेगा। अब अपने लहंगे की चुन्नी में लगा रही हूँ। जैसे मैंने आपको इस वाले लुक का जो प्रॉपर ट्यूटोरियल है कि आप इसकी दुपट्टा कैसे लगाएं राजपूती पोशाक का, तो ये मैं प्रॉपर बता चुकी हूँ आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो यहाँ पे मैंने वो लुक मतलब उस तरीके से दुपट्टा को अपने पिनअप कर लिया, और देखिए काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है, सेम वही वाला लुक आ रहा है। और साड़ी आप अपने हिसाब से अपनी मैचिंग के ले लीजिए, मेरे पास नहीं थी, जो थी मैंने तो आपको उसी के साथ करके दिखाया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी जो ज्वेलरी है उसके साथ कितना प्यारा, मतलब प्रॉपर वही राजपूती पोशाक वाला लुक आ रहा है। अगेन मैं फिर से कहूँगी कि मेरे लहंगे के साथ मैचिंग की, बहुत ज़्यादा मैचिंग की साड़ी नहीं थी, आपके पास जो मैचिंग की साड़ी हो आप वो ट्राई करिएगा। अब नेक्स्ट जो लुक है ये मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे देख रखा था, लाइक एक ब्लाउज पहना है लोगों ने, लहंगे को थोड़ा सा ऊपर कर लिया और वो गाउन स्टाइल बन गया है। मैंने सोचा मैं भी एक बार ट्राई करके देखती हूँ, तो मैंने भी ट्राई किया। बिलीव मी, मुझे तो सांस भी नहीं आ रही थी, ये जो लहंगा है इतना हैवी ऑलरेडी होता है, अब इसको आप अपने पेट से भी ऊपर बांध ले रहे हो क्योंकि आपको इसको गाउन बनाना है, तो पता नहीं कि मुझे तो बिल्कुल सांस ही नहीं आई थी। अब मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा ये जॉइंट जॉइंट से दिख रहा है, इसे कंसील करने के लिए मैंने एक बेल्ट भी लगाई, लेकिन पता नहीं मुझे ये लुक ही नहीं अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर तक मैं तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करती रही, ट्राई करती रही, इसके बाद मैंने क्या किया इसका ब्लाउज चेंज करके देखा, क्योंकि मैंने काफ़ी लोग सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं जो यूट्यूबर हैं उनको ये सब करते हुए देखा था। अब मैंने ब्लाउज चेंज कर लिया, मुझे लगा कि शायद वो ब्लाउज थोड़ा सा बंद सा था इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, तो ब्लाउज चेंज करके देखा फिर भी वो वाली बात नहीं आ रही थी जो एक्चुअल में आना चाहिए, लहंगे को मतलब गाउन की तरह लगना चाहिए, वो नहीं लग रहा था। फिर मुझे लगा कि क्या ये मुझे नहीं लग रहा है, ये मुझे नहीं आ रहा है, तो ये ट्राई करने के लिए मैंने एक और काम किया, बताती हूँ चलिए।
मैंने क्या किया, मैंने एक नॉर्मल कॉटन की स्कर्ट मेरे पास जो ब्लैक कलर की है मैंने वो ली, उसके ऊपर ब्लैक कलर का ये ब्लाउज पहना। मुझे ये ब्लाउज जो है ये कुछ कॉटन का होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ठीक है मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस में रखा ब्लाउज को। तो जब मैंने ये पहना तो ठीक है, इसका संग ठीक ठीक सा लग रहा था, मतलब ऐसा बुरा नहीं लग रहा था। इसमें आप चाहें तो बेल्ट ऐड कर सकते हैं, अगर थोड़ी ड्रेस टाइप का बन रहा था, इतनी ऊपर स्कर्ट जाएगी, मेरी हाइट 5'7" तो मतलब वो तो वैसे भी मेरी ड्रेस बन जाएगी, वो बिल्कुल भी गाउन या अनारकली नहीं बन पाएगा, लेकिन इट्स ओके, ये ठीक लग रहा था। इसके बाद मैंने स्कर्ट थोड़ी सी नीचे करके आपको दिखाई है कि बहुत ज़्यादा बल्कि ना लगे ऊपर से, तो यस काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये अगर आपको ट्राई करना है तो कभी किसी स्कर्ट के संग ट्राई कीजिएगा, लहंगे के संग बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट लुक की बात करते हैं। ये जो लुक है ये मेरे साथ जो भी लोग इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं उन लोगों ने काफ़ी पहले से देख रखा होगा, और अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो पियाली राजावत मेरी आईडी है, प्लीज़ प्लीज़ इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं इस सारे लुक की डिटेल काफ़ी पहले दे देती हूँ। यूट्यूब पे वीडियो बाद में आते हैं, वहाँ पे पहले आ जाते हैं। तो ये वो लुक है, अगर मेरी शादी इन दिनों हुई होती, इस टाइम पे हुई होती, तो मैं पक्का इसी तरीके से तैयार होती। लाइक ज्वेलरी जो है मैंने कंट्रास्ट में रखी है, मेरी शादी टाइम पे मेरी पिंक ज्वेलरी थी, लेकिन अभी मैंने ग्रीन कलर की रखी है और साथ में पासा लगाया, पासा स्टाइल किया है, बहुत ही प्यारा। मतलब मुझे अभी आजकल जो पासा स्टाइल में जो लड़कियों का आजकल हेयर स्टाइल चल रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने भी इसी ट्राई करके देखा। तो आप भी अपने जो लहंगा है उसको अपने घर की किसी वेडिंग में, लाइक आपके ब्रदर की वेडिंग है या फिर आपकी ससुराल में किसी की वेडिंग है स्पेशली, आप उसमें कभी ट्राई करके देखिएगा इस तरीके से कुछ भी अपने सेम लहंगे को अलग ज्वेलरी के साथ में, तो आपका लहंगा भी रीयूज हो जाएगा और यस काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब वो जो आपका शादी वाली फीलिंग है वो नहीं आएगी और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और कौन सा लुक अच्छा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाइएगा, टिल देन टेक केयर, बाय।